नमस्कार, हिस्ट्री की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास हम अकबर का जो देखे थे साम्राज्य विस्तार क्या था उसके आगे बढ़ेंगे। जो मैंने बताया था आपको मनसबदारी दसाला सिस्टम, इसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट जब वीडियो ख़त्म हो जाती है तो कर दिया करो। और तुम लोगों से बोला जाता है लाइक करने के लिए तो पहले डिसलाइक कर देते हो, हैं यही करोगे। चलो तो आज सेशन स्टार्ट करेंगे। और ये आप जानते हैं कि जो भी दिया जा रहा है आपको ये 10+ कोर्स के अंतर्गत दिया जा रहा है। अगर इन सभी के आपको नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे परीक्षा प्लस ऐप से PDF सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो, जो 499 रुपये में है और जो 3 महीने तक वैलिड रहेगा, जिसके तहत आपके जितने भी लेक्चर दिए जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे उन सभी के नोट्स आपको दिए जाएंगे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, पहले शुरुआत करेंगे दसाला सिस्टम क्या था अकबर के समय में, फिर मनसबदारी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, फिर उनके धार्मिक नीतियों के बारे में बात करेंगे, जहाँ तक कवर हो जाएगा आज के सेशन में, फिर जो बचेगा वो अगले सेशन में हम कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का। दसाला सिस्टम क्या था? एक्चुअली इसी को टोडरमल सिस्टम बोलते हैं और इसी को एक तरह से बोला जाए कि सुधरा रूप हुआ था ये किसका, जप्ता प्रणाली का। ठीक, तो इसमें इसके अंतर्गत क्या होता था दसाला के सिस्टम, 1580 में इसे अकबर ने शुरू किया था, 1580 में इसे शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। और इसमें ये होता था कि जब ये एक्चुअली था क्या कि भू राजस्व कर था, इसमें 10 साल का एक तरह से तैयार किया जाता था एस्टिमेट रजिस्टर में कि 10 साल में जो भी फसल होती थी, किसान जो भी बोते थे, खेती करते थे, उनका जो एवरेज लिया जाता कि जैसे मान लो कि 10 साल में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, जौ का उत्पादन कितना हुआ, मक्के का उत्पादन क्या हुआ, ठीक उसका मूल्य क्या था, उस हिसाब से 10 साल का लेके उसका एवरेज लिया जाता था, कितने उत्पादन हुए उसके हिसाब से राजस्व जो है तय किया जाता था। तो यही आपका क्या था दसाला सिस्टम था, उसमें औसत का जो एक तिहाई जो उपज होता था उसका एक तिहाई भाग जो है लिया जाता था कर के रूप में। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगर कभी भी ऐसा होता था कि बाढ़ हो जाती थी, सूखा पड़ जाता था, तो इसमें ऐसा नहीं था कि अकबर उस केस में भी आप उनसे जो है किसान जो होते थे उनसे क्या करे, कर वसूले, ऐसा नहीं था। वो उसमें कुछ रियायत देता था, कुछ उनसे कम कर जो है लेता था जब ऐसी परिस्थिति हो जाती थी। तो दसाला के मैंने बता दिया कि दसाला एक किस टाइप की प्रणाली थी जिसे जप्ती प्रणाली भी बोलते थे हम। ठीक, और इसे टोडरमल भी बोलते थे, टोडरमल प्रणाली अगर आपसे पूछे कहीं क्वेश्चन तो यही था। इसके शासनकाल में 3 नकदी फसल थे। नकदी फसल किसे बोला जाता था? कपास, तिलहन और गन्ना, ये तीनों नगद फसल थे। इसे क्यों ऐसा नकदी फसल बोला गया? इसलिए कि जब इसका जो उत्पादन होता था उसके उत्पादन पे जो कर लिया जाता था राज्य के थ्रू, वो नगद के रूप में लिया जाता था, उसे नगद भुगतान किया जाता था। जैसे बाकी में क्या होता था, या तो आप अनाज के तौर पे कर दे सकते हो क्योंकि उस जितना आपका कर बना, ठीक है, उसका एक मूल्य तय होता था। मान लो 500 रुपया हुआ तो 500 रुपये के हिसाब से आपसे अनाज ले लिया जाता था। मगर इस नगदी फसल में क्या होता था कि आपको अनाज नहीं लिया जाता था सरकार के द्वारा, यहाँ पे आपको इस फसल के जो भी टैक्स लगते थे उनमें रुपया ही लिया जाता था, इसीलिए इसे नकदी फसल कहा गया। और इसी के शासनकाल में एक और प्रणाली इसने तैयार किया था, वो था नशक प्रणाली। नशक प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था कि जो भू राजस्व तय किया जाता था कृषि भूमि पर, वो उसके जमीन के कितनी उत्पादक क्षमता है उस पर डिपेंड करता था, उसी को हम क्या कहते थे, नशक प्रणाली कहते थे। कि जो आपका भू राजस्व कर जो है निर्धारित होता था वो किस पे होता था, जमीन के उत्पादन क्षमता पे डिपेंड करता था। ठीक है, तो ये आप दोनों मैंने आपको बता दिया। अकबर के काल में कुछ जमीन होते थे उनका नाम दिया जाता था कि कौन सी जमीन को क्या कहते थे वो जान लो, या आपसे यहाँ से वन लाइनर में क्वेश्चन पूछता है वन डे एग्जामिनेशन में। जैसे जिस भूमि पर लगभग प्रत्येक वर्ष, ठीक है, खेती की जाती थी उसे पोलज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोलज, यह ध्यान रखना। पोलज कौन सी भूमि होती थी जिसमें प्रत्येक वर्ष कृषि होती थी, ठीक, हर साल कृषि होती थी, मतलब उसे कभी भी बंजर नहीं छोड़ा जाता था किसी भी साल, उसे पोलज कहते थे। जब उसमें खेती नहीं की जाती थी तो उसे परती कहते थे। जिस समय उसमें खेती नहीं की जाएगी तो उस समय वह परती भूमि रहेगी, ठीक, और जब परती जमीन पर खेती की जाती थी तब उसे पूरा राजस्व जो है पोलज पर देना पड़ता था। जब परती भूमि कोई पड़ी हो आपके पास
और उस पे आपने खेती करना शुरू कर दिया, तो जो कर आपको पोलज भूमि पर देना होता था वही कर आपको यहाँ पे जो प्रतीक को फिर से आपने उस पे कोई भी अन्य बोना शुरू कर दिया तो वही राजस्व आपको इस प्रति पर भी देना पड़ता था। अब वैसी जमीन जो लगातार 2-3 साल तक पड़ती रहती थी, मतलब कितने साल तक, 2 से लेकर 3 साल तक उस पर कुछ भी अनाज नहीं पैदा होता था, उसे चाचर कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे उसे? चाचर कहते थे, जो 2-3 साल तक आपके पड़ती रहे उस पर कोई भी कुछ बोया ना जाए। इससे ज्यादा समय तक, 2 से अगर 3 साल से ज्यादा समय तक, 10 साल तक, 5 साल तक कोई जमीन पड़ती रहती थी तो उसे क्या कहते थे? बंजर भूमि कहते थे। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि बंजर भूमि क्या होती थी, परती क्या होती थी और पुअप का पोलस क्या होता था। और अकबर के काल में ये तो 3 थे ही, और भी जो उसके उत्पादन के हिसाब से, मैंने बताया ना जमीन के उत्पादन के हिसाब से जमीन का डिवाइड हुआ था, जैसे मैंने शेरशाह शुरू में आपको पढ़ाया कि प्रथम श्रेणी, ठीक मध्यम आपका श्रेणी, उसके बाद से तृतीय श्रेणी, इस निम्न श्रेणी में उत्तम मध्यम और निम्न श्रेणियों में जमीन का विभाजन किया गया था कि उसका उत्पादन कैसा, जिसकी जिस खेत में अच्छी फसल होती थी, हर फसल अच्छी एवरेज से गिरती थी, उसे उत्तम श्रेणी दिया गया था उस जमीन का, और जिसमें एकदम एवरेज हर फसल का होता था उसे मध्यम, बाकी जिसमें कुछ भी नहीं होता था, काम चलाऊ काम चलता था, उसे निम्न कोटि का जो है बोला गया था। अकबर के समय में जो जमीन नापने का जो आपका पैमाइश का जो स्केल था, उससे पहले तो हम देखे थे कि कौन सा चलता था, सिकंदरी गज चलता था, काफी फेमस था इसे जमीन गज, जिसमें आपके 39 आंगुल तथा 32 इंच होते थे, के बराबर होता था 32 इंच के। मगर अकबर के समय काल में, अकबर के काल में उसका स्थान इलाही गज ने ले लिया। क्यों ले लिया? इलाही गज जो 41 अंगुल या 33 इंच का होता था, ये कह सकते हो, ये 32 का होता था, ये 33 इंच का होता था। ठीक, ये पैमाइश जिसे क्या कहते थे? इलाही गज कहते थे। सिकंदरी गज से ये थोड़ा आगे का एक इंच आगे था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देख लेते हैं कुछ मुगल काल में किसानों का उल्लेख मिलता है, कुछ टाइप, कितने टाइप के किसान मिलते थे आपको, उसका मैं जिक्र बता दे रहा हूं। एक होता था पाहिकस्त। पाहिकस्त किसान किसे कहते थे? पाहिकस्त किसान वो होता था जो अपनी जमीन पर खेती करने के लिए दूसरे गांव जाने वाला किसान था। मतलब कि मान लो मेरा गांव यहाँ पे है और उसकी जो जमीन है किसी और गांव में पड़ती हो, तो जब वो खेती करने जाएगा तो उस गांव में जाता था और उसको क्या कहते थे? पाहिकस्त कहते थे। और खुद कस्त किसे कहते थे? स्वयं अपनी जमीन पर खेती करने वाला किसान सभी इसी गांव में, उसको क्या कहते थे? खुद कस्त कहते थे। मुजारे किसे कहते थे? मालिकों की जमीन या खुद कस्त किसानों की जमीन पर खेती करने वाले किसान को कहते थे। या किसी का किसी से जमीन ले लिया, उस पर खेती कर रहा है, तो उसे क्या कहते थे? मालिक, मुजारे कहते थे। ठीक है, तो ये याद रखना। अब आ जाते हैं मनसबदारी व्यवस्था पे, कि मनसबदारी व्यवस्था क्या थी और कहाँ से ली गई थी, क्या इससे पहले मनसबदारी व्यवस्था थी या नहीं थी। तो जो मनसबदारी व्यवस्था थी, ये एक्चुअली क्या था कि सैनिक व्यवस्था था, जिसमें ये प्रचलित था आपका मंगोल जब शासन कर रहे थे, जब चंगेज खान का शासक था आपका मंगोल पे, पूरे विश्व पे जब चंगेज खान राज कर रहा था, तो अपने सैनिक बटालियन को वह मनसबदारी प्रणाली पर ही बांटा था। जो आज के समय में बोल सकते हो, आधुनिक में जो आप देखते हो आर्मी में, जितने भी चाहे जो भी आपके बल हैं उसमें बटालियन होते हैं। ठीक, गोरखा बटालियन, राजपूताना राइफल्स, असम राइफल्स, ये क्या होता है? एक बटालियन है। उसी हिसाब से आपके पहले जो है शासनकाल में जो सेनाओं को बांटा जाता था वो मनसबदारी सिस्टम में इसी तरह से बांटा जाता था। ठीक, तो ये पहले, इससे पहले, अकबर से पहले तो बहुत प्रचलित नहीं था, क्योंकि इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं कहीं। ठीक, वही आपके चंगेज खान के जमाने में था, तो वहीं से अकबर ने लिया था, चंगेज और तैमूर के ये समय मनसबदारी था। ये दशमलव प्रणाली भी इसे बोला जाता था, कि 10-10 के जो ऐसे अंक से वो, मतलब इनको अपॉइंट किया जाता था जो 10 से डिवाइड हो जाते थे। ठीक, और इसमें मेनली ये होता था कि मनसबदारी में जिसको मनसब, मतलब एक पोस्ट दिया जाता, मनसब का मतलब ही होता है पोस्ट। ठीक, जिसको ये पोस्ट दिया जाता था, जिस इसके अंतर्गत जैसे 10 से लेके मिनिमम मनसब होता था 10 और मैक्सिमम आपका होता था 10,000, ये अकबर के समय के काल में होता था, बाकी धीरे धीरे ये सभी में बढ़ता चला गया। तो जो ये 10 आपका नंबरिंग दिखाता था, ये बताता था कि ये लोग इतने सोल्जर रख सकते हैं, और जितने सोल्जर रख सकते थे उतने ही ये घोड़सवार रखते थे।
ठीक, घुड़सवार जो सैनिक होते थे वो रखने का ये पूरा इनकी प्रणाली थी, मनसबदारी प्रणाली थी। तो ये कहाँ से लिया गया था, ये चंगेजों से लिया गया था। और अकबर के शासनकाल में 19वें वर्ष में 1575 में इसे पहली बार देखा गया, इसके संकेत मिलते हैं। ठीक है, मनसब कोई पद संज्ञा नहीं थी, एक तरह से बोल नहीं सकते हो कि ऐसा नहीं था कि जो मनसबदार पहले किसी उच्च कोई पोस्ट हो बहुत बड़ा, जैसे प्रधानमंत्री बन गया तो उस प्रधानमंत्री पे और कोई नहीं आ सकता, ऐसा नहीं था। मनसबदारी में ऐसा था कि किसी मनसब का अगर कम है, जैसे मान लो 10 उसे दिया गया है, मनसब के प्रणाली में उसे अंक दिया गया है कि वो 10 सैनिक ही रख सकता है, तो ऐसा नहीं वो 1000 सैनिक नहीं रख सकता है। वो उसका प्रमोशन होता रहेगा, उसका जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी उसके काम रहेंगे उसके हिसाब से उसका प्रमोशन होगा और अपना वो अपना मनसब बढ़ाता चला जाएगा और एक अमीर मनसब भी बन सकता था। ऐसा नहीं था कि वो वंशानुगत प्रणाली भी था, एक तो ये बोला जाए कि ये हेरिडेटरी नहीं था, आपका वंशानुगत नहीं था कि अगर आपके बाप परदादा जो है मनसब थे तो आप भी मनसब होंगे, ऐसा नहीं था। ठीक, ये सिस्टम इसने अकबर ने खत्म कर दिया था। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। अकबर ने अपने पूरे मनसब को, संपूर्ण मनसब को अल्लाह के शब्द की जो गणना होती थी उसके हिसाब से इसने बांटा था, 66 श्रेणियों में बांटा था बोला जाता। मगर यहाँ पे अबुल फजल जो कहते हैं, जो अकबर नामा के आईने अकबरी के लेखक हैं, वो कहते हैं कि इसे सिर्फ 33 श्रेणियों का उल्लेख इसमें मिलता है। मनसबदारी व्यवस्था में दो चीजें और उसमें रैंक शामिल कर दिया गया था, एक था जात। जात मतलब होता है आपका कौन सा पोस्ट है, आपका क्या पोस्ट है, मतलब कितने आपके पास सोल्ड जो है सैनिक दिए जा रहे हैं, उसी को आपको जात कहते थे। जो आपका पोस्ट होगा उसी के हिसाब से आपको सैनिक दिए जाते थे, वही जात होता था। और एक होता था सवार। सवार का मतलब होता है, सवार मतलब क्या, घुड़सवार ऐसे ही बोलते हो ना, तो घुड़सवार का मतलब कि घोड़े सवार वाले जो सैनिक होते थे वो आपको कितने दिए जाते हैं। ठीक, उस पर ये डिपेंड करता था। और जात शब्द से व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति बोध होता था। इसी जात से कि आपको जितना भी सैनिक, जैसे 10 से 10,000 मैंने बताया, तो इसी जात से आपका वेतन जो है तय होता था। और ये वेतन जो एक तरह से चाहे वो सैनिक अधिकारी हो चाहे असैनिक अधिकारी हो, सभी को ये सिस्टम लिया गया था, मनसबदारी एक तरह से पोस्ट दिया गया था। वो सैनिक अधिकारी हो चाहे असैनिक अधिकारी हो, कोई भी ऑफिसर हो, उसे सेना रखने की, ठीक है, और घुड़सवार रखने का जो है ये व्यवस्था दिया गया था, मनसबदारी। उसी के अंतर्गत ये लोग जो भी करते थे इन्हें सैलरी दी जाती थी सरकार के द्वारा, मतलब अकबर जो है इन्हें सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता था। और उस सैलरी के साथ साथ ये जो आपके सवार होते थे और जो सैनिक होते हैं, इनका जो मेंटेनेंस होता था वो भी अकबर क्या करता था, देता था कि जो इनके मेंटेनेंस में खर्चा होता था। कहीं कहीं ये होता है था मिलता है कि मनसबदारी में कि सैलरी ना देने के, सैलरी नहीं दे पाता था जब अकबर, तो उनको जहांगीर दे देता था, ठीक, जमीन दे देता था, मगर उस जमीन पे उस मनसब का पूरा हक नहीं होता था कि नहीं तुम अपने हिसाब से मनमानी करो, ठीक है, जो भी उसमें वहां से कलेक्ट हो तुम अपने रख लो और राजा तक सरकार तक वो आ ही ना पाए। तो वहां पे क्या होता था कि उसे कहा जाता था कि आप इस जमीन की देखभाल करोगे, इस पे जो भी उपज होगा उस उपज का जो आप लोगे कर, उस कर से आप अपना सैलरी प्लस अपने सैनिकों का मेंटेनेंस खर्च जो भी होगा वो काट कर जो बचेगा उसे राजा के राजस्व में आपको भेज देना है। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और आप पे सजा सुना दी जाएगी, ठीक है। और इसीलिए क्या करता था मनसबदारों को, क्या करता था, कहीं एक जगह जो जिसको जहांगीर दी जाती थी ना, कहीं एक जगह नहीं रखता था, ये हमेशा एक इंटरवल में 4 से 5 साल के इंटरवल में इनको बदलता रहता था ताकि ये भ्रष्टाचार न कर पाए। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कि अकबर के समय में सबसे छोटा मनसब, ये आपसे पूछेगा कि अगर सबसे छोटा मनसब अकबर के समय में था वो 10 का था, मतलब 10 सैनिक आप सोल्जर रख सकते थे। 10 सैनिक मतलब सोल्जर हो गए, मतलब पैदल सैनिक वाले, और पैदल सैनिक का बोला जाए उस समय वेतन बहुत कम था, बोला जाता है कि 2 से 3 रुपया वेतन था, और जो घुड़सवार सैनिक थे उनका 30 रुपया था। ठीक, तो घुड़सवार वाले ज्यादा थे, तो ये 10 सैनिक रखने का मतलब 10 पैदल सैनिक ये रख सकता था, और इसी हिसाब से वो घुड़सवार भी रख सकता था, मतलब इसी जात पे ही तो आपका घुड़सवार डिपेंड करता था।
ये अकबर के समय में था कि जात से ज्यादा जो है आप घुड़सवार नहीं रख सकते थे, लेकिन बाद में जैसे जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब का शासन काल आता है, उस समय क्या होता है कि आप जात से ज्यादा भी क्या रखते थे, वो लोग घुड़सवार सैनिक रखते थे, ठीक, क्योंकि उसमें सुल्तान जो है खुद ही उन्हें कह देता है कि आप इसके लिए कोई भी फंडा अपना सकते हो, ठीक। और मैक्सिमम जो था मनसब था वो 10,000 का होता था, बाद में चल के ये 12,000 मैक्सिमम हो गया। 5,000 से ऊपर मनसब केवल शाहजादों और राजवंश के लिए होता था, ये याद रखना। जो 5,000 सैनिक रखते थे वो कहीं ना कहीं किसी राजवंश से होते थे, कहीं ना कोई कोई शाहजादा होता था, ठीक, उसी को ये 5,000 जो है मनसब दिया जाता था, ठीक, कि 5,000 वो सैनिक रखेंगे। बाद में अकबर ने मिर्जा अजीज कोका तथा मान सिंह को 7,000 मनसब प्रदान किया। ये मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह, मैंने बताया ये इनके सेनापति थे, काफी युद्ध लड़े थे इनके साम्राज्य विस्तार में, इनको इसमें क्योंकि ये कोई वो नहीं थे, सेनापति ही थे, इसीलिए इनकी मैंने जिक्र कर लिया कि ये ऐसे सेनापति थे जिनको 7,000 मनसब दिया गया था। क्योंकि यहां मैंने बताया इस पॉइंट में कि सिर्फ 5,000 से ऊपर वही मनसब रख सकता था जो कहीं ना कहीं शाहजादा हो और राजवंश का हो, मगर मान सिंह तो ऐसे थे नहीं, ये तो उनके सेनापति थे, इस वजह से कहीं ना कहीं इनका अहम रोल था, इसलिए अकबर ने क्या किया, इन्हें 7,000 का मनसब जो है दिया था। आगे बढ़ जाते हैं, जहांगीर और शाहजहां के काल में सरदारों को 8,000 तक मनसब तथा शाहजादों को 40,000 तक, ठीक है। अब देखो ये जो सरदार थे कहीं के, जैसे कहीं भी हो गया आपका बिहार का हो गया, बंगाल का हो गया, जो सरदार नियुक्त होते थे वहां पे, अब इन्हें 8,000 तक सेना रखने की व्यवस्था की गई, और वहीं पे अगर शाहजादे और राजवंश के जो लोग थे उनको 40,000 तक सेना रखने का प्रावधान किया गया था। उसके बाद से इसकी संख्या उत्तर मुगल काल में हम जब जाएंगे वहां पे क्या हो गया था, जब औरंगजेब के बाद का जो शासन आता है उसे उत्तर मुगल काल कहते हैं, उसमें 50,000 तक इसकी संख्या हो गई थी कि राजवंश लोग इसे 50,000 तक कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास। और इसी वजह से मनसबदारों में कुछ श्रेणियों में बांटा गया है, उस श्रेणियों को देख लेते हैं कि 10 से लेके 500 तक जो जिनके पास मनसब होता था उसे हम मनसबदार कहते थे, ठीक है। 10 से लेके 500 तक जिनके पास सैनिक होते थे उन्हें हम मनसबदार कहते थे, और 500 जात से अधिक किंतु 2500 से कम, ये ध्यान रखना, 500 से ज्यादा और 2500 से कम के बीच वाले को हम अमीर कहते थे, ठीक, कि ये अमीर हैं, कुछ इनसे मनसबदार से अमीर हैं, और 2500 जात से अधिक वाले को हम क्या कहते थे, अमीरे उम्दा कहते थे। क्या कहते थे, अमीरे उम्दा कहते थे। सबसे ऊंची सैनिक उपाधि थी वो कौन सी थी, खाने जमा, या कह सकते हो इसके पश्चात खाने खाना, जो किसको मिला था, बैरम खां को मिला था, और फिर इसी के पुत्र अब्दुल रहीम को मिला था, अब्दुल रहीम खाने खाना, जो अकबर के नवरत्न में भी था, आपका शामिल था। तो ये जो पद था खाने जमा और खाने खाना, ये किसी भी व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को ये दोनों पद दिया जाता था, ये ध्यान रखना, अलग अलग व्यक्ति को ये पोस्ट नहीं दिया जाता था, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक, मुगल काल में उन्हें जो सरकारी विभागों में कार्यरत थे, ठीक, सरकारी विभाग में कार्य करते थे परंतु मनसबदार नहीं थे, उन्हें क्या बोला जाता था, रोजिंदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे, रोजिंदार। इन्हें दैनिक वेतन मतलब पर डे वेतन जो है दिया जाता था। ऐसे लोग जो आपके अकबर के दरबार में काम करते थे लेकिन वो मनसबदार नहीं थे, तो उन्हें क्या बोला जाता था, याद रखना, रोजिंदार बोला जाता था। और इन्हें हर दिन का जो डेली वेजेस, वर्कर आज के समय में सुनते हो ना कि उन्हें डेली ना डेली 200-300 जो भी वेजेस होता है उसी हिसाब से ये रोजिंदार थे। इन्हें डेली काम का जो है आपका पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और क्या था इनके सिस्टम में। देखो, मनसबदारों के वेतन का निर्धारण सामान्यतः 4 महीने से कम तथा 10 महीने से अधिक अवधि नहीं रखी जाती थी, ठीक है। इनका जो वेतन का निर्धारण था वो 4 महीने से कम नहीं होता था, 4 महीने से ज्यादा ही का ही होता था, और 10 महीने से ज्यादा भी नहीं रखते थे कि अब 10 महीने तक ही इनका वेतन, मतलब ये निर्धारण कर गया तो ये रहेगा, उसके बाद ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो डिपेंड करता था उसके आगे, ठीक। शुरुआत में देख लो कि प्रारंभ में मनसबदारों को 240 रुपया
वार्षिक प्रति सवार मतलब जितने उनके पास सवार होंगे वो उतने हिसाब से 240 रुपये प्रति सवार मिलता था। ठीक, उसके बाद से जहांगीर के काल में ये घटाकर 200 रुपया हो गया था। मनसब आपको मैंने बता दिया, अनुवांशिक नहीं होते थे, मतलब ये ऐसा नहीं था जिसके दादा परदादा आपके मनसबदार हैं तो वो भी मनसबदार बनेगा। उसके लिए आपके अंदर काबिलियत होना चाहिए कि आप मनसबदार बनने लायक हो नहीं, आप सेना को कमांड करने लायक हो या नहीं हो, तो ये उस पर डिपेंड करता था। ऐसा नहीं था कि वंशानुगत पोस्ट था कि आप के पापा मरे तो आप भी जो है क्या करोगे, मनसबदार बन जाओगे। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब आगे क्या है, सवार पद के आधार पर मतलब जो घुड़सवार होते थे उसके आधार पर 5,000 और उससे नीचे मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। याद रखो ये क्या है, वो आपका जात के आधार पे था और यहाँ पे सवार के हिसाब से डिवाइड किया गया है। सवार के हिसाब से ये बोला गया है कि 5,000 ठीक या उससे नीचे मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहले क्या थी, प्रथम श्रेणी के मनसबदार को जात पद जो होता था के बराबर सवार जो है रखना होता था। जितना उसका जात, जितने आपके उसके पैदल सैनिक होते थे उतने उसको उसके घुड़सवार होते थे। जैसे कहा जाए कि अगर 5,000 उसके पास जात है तो 5,000 ही घुड़सवार होगा, ऐसे वाले लोगों को हम कहते थे प्रथम श्रेणी के मनसबदार। ठीक है, दूसरे वाले पे आ जाते हैं, द्वितीय श्रेणी के मनसबदार क्या होते थे, अपने जात पद से कुछ कम या आधे घुड़सवार सैनिक रखने वाले को हम कहते थे क्या, द्वितीय सेकेंड श्रेणी के मनसबदार कहते थे। ठीक, कि अगर वो अपने जात से, जैसे उनका 5,000 है तो वो 5,000 जात है मगर वो घुड़सवार 5,000 ना रख के 2,000 3,000 या हाफ रख के 2,500 रख के, तो ऐसे को हम सेकेंड श्रेणी के आपके क्या बोलते थे, मनसबदार बोलते थे। और तीसरे श्रेणी में कौन मनसबदार आता था, जो अपने जात पद के आधे से भी कम घुड़सवार सैनिक रखते थे। मतलब कि अगर 5,000 आपकी जात है तो इसके आधा मतलब आप 2,500 से भी कम आप अगर घुड़सवार रखते हो तो आप क्या करोगे, उस केस में कहाँ आओगे, आप इस श्रेणी में आओगे, तीसरे श्रेणी के मनसबदार में आओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अकबर ने अपने शासनकाल में 18वें जो है उनके शासनकाल का 18वां जो साल चल रहा था उसमें 1574 में उसने क्या किया, दाग और प्रथा, ये मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत में दाग और प्रथा जो है चलाया। इसका मतलब क्या था, दाग और हुलिया मैंने आपको पढ़ाया था। दाग एंड हुलिया मतलब क्या होता था कि घोड़ों पर दाग दिया जाता था, मोहर लगाया जाता था कि ये घोड़ा रजिस्टर्ड है, ये सुल्तान का घोड़ा है, ये इस सिपाही का मतलब इस आपके सिपाही के अंतर्गत ये घोड़ा आता है। ठीक, इसका सेनापति ये है, फला है, ढका है। ठीक, इस हिसाब से उस घोड़े को दागा जाता था, रजिस्टर किया जाता था ताकि इसमें क्या हो, आपका भ्रष्टाचार ना हो पाए कि कोई अपना कहीं से भी घोड़ा ले आके डाल दिया और उसका कोई ब्यौरा ही नहीं है, और जब आक्रमण हो किसी का तो घोड़ा पता चले चलने ही लायक ना हो, यहाँ से वहां तक जाने में उसकी हालत खराब हो जाए। तो इस वजह से इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता था, सैनिकों का भी रजिस्ट्रेशन होता था और घोड़ों का भी रजिस्ट्रेशन होता था। उसी को हम धाग और हुलिया, उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये प्रथा थी और ये इन्होंने सेम टू हू बहू अकबर ने भी चलाया था। अब इसमें दो दाग होते थे, घोड़े पर जो दाग लगाए जाते थे, जो मोहर लगाए जाते थे, वो दो होते थे, एक तो सुल्तान का एक तरह से बोल सकते हो बादशाह का, ठीक, और दूसरा होता था आपका जो मनसबदार होता था, किस मनसबदार का ये घोड़ा है, प्रथम श्रेणी वाले का है, सेकंड श्रेणी वाले का है, 10 वाले का है, 2,000 वाले मनसबदार का है, किसका है, तो वो मनसबदार का भी उस पे घोड़े पर जो है मुहर लगाई जाती थी, उसी को दाग प्रथा आपको बोला गया है, और सैनिकों का रजिस्ट्रेशन भी किया जाता था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और इसके लिए उसने एक विभाग बनाया था अकबर ने, ये जो घोड़ों का रजिस्ट्रेशन करे, ऊपर दाग लगाए और सोल्जरों का रजिस्ट्रेशन करे, वो कौन सा था विभाग, दाग ए मुहाली नामक एक विभाग था, जिसका एक काम ये क्या था, यही काम था कि घोड़ों पर जो है दाग जो है लगाए, उनका रजिस्ट्रेशन करे, सैनिकों का रजिस्ट्रेशन करे कि कोई उसमें से बिना रजिस्ट्रेशन वाला ना आ जाए। ठीक,
आगे बढ़ जाते हैं। जहांगीर ने एक ऐसी प्रथा चलाई जिसमें बिना जात पद बढ़ाए, ठीक है, मनसबदारों को अधिक सेना रखने को कहा जाता था। इस प्रथा को दुआस्प या सी आस्प भी कहा जाता था। दुआस्पा या सी आस्पा जो आप नाम सुनते हो, आपसे यहां से क्वेश्चन भी पूछा है पीसीएस ने कि दुआस्पा और सी आस्पा क्या था, ठीक है। तो यही था कि ये किसके द्वारा चलाई गई थी, जहांगीर के द्वारा। ये क्या कहा था कि अगर आपके पास जात कम भी हो तो आप क्या कर सकते हो, उससे अधिक सेना भी रख सकते हो। जैसे बोलो ना, जात पद को बढ़ाए बिना मनसबदारों को अधिक सेना रखने की जो है इजाजत थी, ठीक। इस प्रथा को क्या कहा गया, दो आस्पा या सी आस्पा कहा गया। अब इसके बारे में देख लेते हैं। दो आस्पा क्या था, दो आस्पा मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे, ठीक है। जैसे दो आस्पा में ये होता था, जैसे जात है 5000 तो उसका बना कितना घुड़सवार रखने का, 5000 अगर प्रथम श्रेणी का मनसबदार है। मगर जहांगीर के समय में ऐसा नहीं था, आप घुड़सवार उसके डबल भी रख सकते थे, मतलब 10 गुना भी रख सकते हो थे, ठीक है। ये जहांगीर के समय में इसने कर दिया था। और सी आस्पा क्या था, इसमें यह था कि मनसबदारों को अपने सवार पद के हिसाब से 3 गुना घोड़े भी रख सकते थे आप, ठीक है, 3 गुना सवार भी रख सकते थे। जो उनका मेन था कि अगर हम प्रथम श्रेणी के हैं, 5000 जात है तो 5000 सोल्जर होंगे, तो 5000 आपके घुड़सवार होंगे, ये कोई जरूरी नहीं आप घुड़सवार बढ़ा लो, 5 × 3 कर दो, 15000 घुड़सवार रख सकते हो, ये जहांगीर ने कह दिया था, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट वाला, एक अस्पा क्या था। एक अस्पा ये था जिसका नाम एक मतलब एक, ठीक, कि मनसबदारों को अपने सवार पद के अनुसार केवल 1 गुना ही घोड़े रखना होता था, ठीक। जो उनके जितना जात उतना ही घोड़े सवार होते थे, 1 ही गुना उनको रखना होता था। आगे बढ़ जाते हैं, और मैंने ये बता दिया था कि अकबर के समय काल में मैंने बताया था कि किसी भी मनसबदार को सवार पद उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। ये उसके शासन काल में था कि उसका जो सवार पद है वो जात से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 5000 सवार आपका जात है तो 5000 सवार ही होना चाहिए, 7000 सवार नहीं हो सकता, घुड़सवार नहीं ले सकते हो, ठीक। मगर ये जहांगीर में बदल गया था, वही जो मैंने आपसे बताया। अब आ जाते हैं थोड़ा शाहजहां के काल में देख लेते हैं। शाहजहां के समय में जिन मनसबदारों को अपनी नियुक्ति के स्थान पर जहांगीर मिली होती थी, उन्हें अपने सवार मनसब का, ठीक है, 1/3 घुड़सवार सैनिक, जिनको नियुक्ति स्थान से बाहर सूबे में जहांगीर मिली थी, उन्हें 1/4 भारत से बाहर अथवा उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत के मनसबदारों को 1/5 घुड़सवार सैनिक रखने होते थे। यह क्या है, इसमें यह बता रहा है जो शाहजहां का काल था उस समय जो मनसबदार थे उनकी नियुक्ति होती थी, तो उन्हें जहांगीर जो जिसे दिया जाता था, उन्हें अपने सवार मनसब का 1/3 घुड़सवार, मनसब जो होता था उन्हें 1/3 घुड़सवार सैनिक रखना होता था, ठीक, जो सवार होते थे मनसब का। और जिनकी नियुक्ति स्थान बाहर किसी सूबे से बाहर किया जाता था, उनमें 1/4 रखना होता था मनसब का। अगर भारत से बाहर है किसी का, जैसे अफगानिस्तान में है, ठीक, ईरान में है, कहीं ऐसे जगह पे किसी की पोस्टिंग है, तो उसको क्या करता करना होता था कि मनसब का 1/5 घुड़सवार रखने होते थे। यह शाहजहां के काल में था, जहांगीर का बता दिया और शाहजहां का बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं, देखो औरंगजेब के समय में मनसबदारों की जो संख्या थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके लिए जहांगीर नहीं बची, मतलब देने के लिए उनके लिए ना सैलरी बची ना ही जमीनें बची। तो उस समय एक स्थिति पैदा हो गई, उस स्थिति को क्या कहा गया, बेजागिरी कहा गया, जिसे आप कह सकते हो बेरोजगार कह सकते हो। उस समय का ये क्या था, बेजागिरी था। तो ये आज मैंने आपको डिस्कस कर दिया पूरा का पूरा, मनसबदार सिस्टम, दशाला सिस्टम। अब अगले हम सेशन में आपसे बात करेंगे किसके बारे में, अकबर के धार्मिक नीतियों के बारे में, सेशन में जहां हम आपको धार्मिक नीति बताएंगे। धन्यवाद।